हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं किमदाल और यूनो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी किमदाल यूनो से कहती है, मुझे नहीं लगता है ये पावर है, मैं शायद तुम्हें लाइक करती हूँ। तब यूनो थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। वहीं यूनो के जाने के बाद किमदाल कहती है, मैंने उसे ऐसा क्यों कहा, और वो खुद को मारती है और वो कहती है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वहीं यूनो वहाँ से चला जाता है, लेकिन एक आदमी यूनो और किमदाल की फोटोज क्लिक कर रहा होता है छुपते छुपते। वहीं जब यूनो घर आता है, तब जोंग से उसे सीडीज में साइन करने कहता है, क्योंकि उनका एक इवेंट था। तब यूनो साइन करने लगता है, लेकिन उसका ध्यान किमदाल की बात में था कि वो उसे लाइक करती है, जिससे वो बहुत जल्दी जल्दी सभी सीडीज में साइन करता है, जो देखकर बाकी मेंबर्स हैरान होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम किमदाल को देखते हैं, वो घर जा रही होती है, तभी वो अचानक से चिल्लाती है, जो देखकर एक आदमी डर जाता है। तब वो उसे सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम बटर लव का इंटरव्यू देखते हैं, जहाँ नेक्स्ट राउंड के बारे में बताया जाता है कि उन्हें अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी है मिनसो को। उसके बाद बटर लव का नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होता है। यूनो मिनसो को डेट में ले जाता है, जहाँ उसने मिनसो के लिए डेट रेडी किया था, लेकिन तब यूनो को मिनसो की जगह किमदाल देख रही होती है। उसके बाद वो मिनसो को जल्दी से अपना फीलिंग कन्फेस करता है। जब वो कन्फेस कर रहा होता है, तब लगता है कि वो लाइन को रट्टा मार के आया है। ये देखकर सभी हैरान होते हैं और मिनसो कहती है, ये क्या है, और वो यूनो को फिर से एक बार कहने को कहती है। लेकिन तभी मिनसो अपने मोबाइल में देखती है कि यूनो एक नॉन सेलिब्रिटी को डेट कर रहा है, जो वायरल हो गया है। ये देखकर मिनसो यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। दूसरी तरफ हम डायरेक्टर को देखते हैं, वो गुस्सा में होती है और वो यूनो और किमदाल को डांटती है और पूछती है, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। तो किमदाल सॉरी कहती है। डायरेक्टर यूनो से पूछती है, क्या सच में तुम दोनों डेट कर रहे हो। तब किमदाल कहती है, ये सब झूठ है, मैं बस यूनो को बेटर लव के लास्ट कन्फेशन के लिए हेल्प कर रही थी। तब डायरेक्टर कहती है, अब मैं मीडिया को क्या बताऊँगी, और वो यूनो से कहती है, तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी। तब यूनो कहता है, मैं माफ़ी क्यों मांगूंगा, मैंने तो कुछ गलती नहीं की है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूनो डियर डीटी के सेट पर जाता है। तब वहाँ सभी लोग उसके स्कैंडल के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ उसिन आता है और यूनो उसिन के पास जाता है। तब उसिन कहता है, मैं तुम्हारे साथ शूटिंग नहीं कर सकता हूँ तुम्हारे स्कैंडल के वजह से। तब यूनो पूछता है, मैं हैनोडर ग्रुप में कब ज्वाइन करूँगा। तब वो कहता है, इसके बाद तुम इसमें ज्वाइन नहीं कर सकते हो। वही ड्रामा का डायरेक्टर आकर उसे कहता है, तुम्हारा आज शूट नहीं है, सो तुम थोड़ा आराम कर लो। तब वो वहाँ से जाने लगता है। जब वो जा रहा होता है, तब उसे बिल्डिंग में बड़े बड़े हाथ के निशान देखते हैं, जो ग्लोबिन का होता है। वहीं उसी उसे बिल्डिंग से जम का सीन करने वाला था। जब वो जम मारता है, तब उसकी रस्सी टूट जाती है, जो बड़े बड़े हाथ वाले ग्लोबिन ने किया था, जिससे वो नीचे गिरने लगता है। तब यूनो दौड़ कर जाके उसे बचा लेता है। ये देखकर सभी की नज़र में यूनो फिर से अच्छा बन जाता है। उसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहां उसी यूनो से कहता है, तुमने आज मुझे मरते मरते बचाया है, सो थैंक यू। तब यूनो उसे बताता है कि तुम्हारे पीछे ग्लोबन पड़ा है। तब उसी कहता है, क्या तुम भी ग्लोबन को देख सकते हो मास्टर के जैसे। ये सुनकर वो हैरान होता है। वही यूसिन यूनो को अपने साथ हैनोडा ज्वाइन करने कहता है, लेकिन अभी यूनो का मन बदल जाता है और वो सोचने के लिए टाइम मांगता है और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम घर का सीन देखते हैं, जहां वाइल्ड एनिमल्स के सभी मेंबर्स टीवी में इविल वॉइस का शो देख रहे होते हैं। तभी वहां डायरेक्टर सुंजा दौड़ते हुए आती है और उन्हें जल्दी से रेडी होने को कहती है, क्योंकि उनसे कोई मिलना चाहता है। तब सभी पूछते हैं, कौन हमसे मिलना चाहता है। तब सुंजा कहती है, यूनो के स्कैंडल के बाद मुझे लगा था हमारा ग्रुप डिसबैंड होगा, लेकिन अभी कोई वाइल्ड एनिमल में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो भी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा आदमी। उसके बाद सभी मेंबर्स उस आदमी से मिलने जाते हैं। वो आदमी और कोई नहीं, सीजो वॉन होता है। वही यूनो जब सीजो वॉन को देखता है, तब उसे गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है।
है। वहीं शिजोवोन सुंजा से कहता है, मुझे यूनो से अकेले में कुछ बात करनी है। उसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जहाँ शिजोवोन कहता है, तुमने लीजीरी और उस लड़की को जिसे तुम लाइक करते हो उसे मेरे पावर से बचाया है। तब यूनो कहता है, तुम कैसे कह सकते हो मैं उसे लाइक करता हूँ बोलकर। तब शिजोवोन कहता है, मुझे पता है, और वो कहता है मैं इन दोनों से बाद में निपट लूँगा। तब यूनो को किमदाल कॉल करके कहती है कि मुझे तुम लोगों के साथ रहकर अच्छा लगा। तब यूनो कहता है, तुम ऐसे क्यों कह रही हो। तब किमदाल कहती है, मैंने मैनेजर के पोस्ट से रिजाइन कर लिया है, और वो कॉल कट कर देती है। वहीं शिजोवोन यूनो को किमदाल को दिखाता है जो बाहर होती है, जहां उसके पास मीडिया आती है और कहती है, तुमने लीजीरी को सुसाइड करने के लिए फोर्स किया, और साथ ही उसे यूनो के साथ के स्कैंडल के बारे में भी पूछती है और उसे बॉटल फेंक कर भी मारते हैं। ये देखकर यूनो उसके पास जाने लगता है। तो शिजोवोन कहता है, यहां से बाहर गए तो मैं तुम्हारे सभी लोगों को मार डालूंगा। लेकिन तभी यह जोंगशे आता है जिससे वो बाहर जाते हैं। वहीं हमें न्यूज़ दिखाया जाता है कि किमदाल ने अपनी जॉब छोड़ दी है, साथ ही यूनो ने उसीन का जान बचाया था जिससे यूनो फिर से फेमस हो जाता है। वहीं उनका न्यू सॉन्ग भी रिलीज होता है जो बहुत हिट होता है। उसके बाद हम देखते हैं सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तभी एक आदमी आकर सुंजा से कहता है कि वाइल्ड एनिमल्स के लिए एक कॉमर्शियल एड का ऑफर आया है। ये देखकर सभी मेंबर्स बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम किमदाल को देखते हैं। वो घर में थी और वो यही न्यूज़ देख रही होती है। तभी उसके घर के बाहर कोई आता है। जब वो देखती है वो यूनो होता है। यूनो उसे डोर ओपन करने को कहता है लेकिन वो ओपन नहीं करती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो ओपन करती है और यूनो से पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो, किसी ने हमें एक साथ देखा तो फिर से स्कैंडल बन जाएगा। तब यूनो कहता है, तुम मैनेजर के पोस्ट में वापस आ जाओ। तब किमदाल कहती है, मैं नहीं ज्वाइन कर सकती हूँ। तब यूनो पूछता है, क्यों। तब वो कहती है, मेरे वजह से स्कैंडल हुआ है, अगर मैं वापस गई तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगा, सो मैं नहीं जा सकती हूँ। लेकिन यूनो नहीं मान रहा होता है और वो कहता है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और वो कहता है, तुम अकेले सेफ नहीं हो, डेवल फिर से तुम पर अटैक कर सकता है। मैं इस होल वर्ल्ड को सेव करता हूँ, लेकिन मैं अगर तुम्हें रक्षा नहीं कर पाया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तब किमदाल उसे वहाँ से जाने को कहती है, साथ ही वो उसे वापस उसके यहाँ आने से मना करती है। तब यूनो वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं शिजोवोन अपना तलवार लेके हैनुडा ग्रुप के मास्टर के पास जाता है और उसे कहता है, तुमने रेड रेडिंग का कपड़ा नहीं पहन सकती हो, और ये पहनकर तुम मेरे सामने कैसे आ सकती हो। तब मास्टर डर जाती है और उसे माफी मांगती है और उसे शांत रहने को कहती है। वहीं जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तब बाहर इन दोनों की बात एक लड़का सुन रहा होता है। ये लड़का इविल बॉयज का ही एक मेंबर होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उशिन और यूनो एक साथ एक ऐड की शूटिंग करते हैं। उसके बाद यूनो को वहाँ बड़े बड़े हाथ के निशान फिर से दिखाई देते हैं। तब वो उसका पीछा करके एक रूम में जाता है। तब यूनो उसे सामने आने को कहता है। वही एक लड़का उसके सामने आता है, वो ग्लोविन होता है। वो लड़का वही होता है जिसने मास्टर और सुंजा की बात सुनी थी। वही वो लड़का कहता है, मुझे प्रॉन्टिफेक्स से मिलना है, क्या तुम प्रॉन्टिफेक्स हो। तब यूनो हाँ कहता है। तब वो उसे हेल्प मांगता है और कहता है, मैं ग्लोबिन बन गया हूँ, मुझे फिर से इंसान बनना है। तब यूनो कहता है, तुम खुद ही तो ग्लोबिन बने हो। तब वो कहता है, मैं खुद नहीं बना हूँ, एक दिन हैनुडा से किसी ने मुझे ब्रश दिया जिससे मैं ग्लोबिन बन गया हूँ। तब यूनो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम शिजोवोन को देखते हैं। वो बिल्डिंग के ऊपर होता है। तभी वो कुछ कहता है जिससे ब्लैक पावर चारों ओर फैल जाती है और सभी लोग की तबीयत एक एक करके ख़राब होने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं सागमरे और यूनो गाड़ी में जा रहे होते हैं। तभी उन्हें कंपनी के बाहर लोगों की भीड़ दिखती है। जब यूनो उनके पास जाता है तब वो यूनो को कहते हैं, तुम्हारे वजह से हमारी फैमिली के मेंबर्स मर रहे हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हारी ऐड की हुई कैंडी खाई। तब सुंजा उसे जल्दी से अंदर लेकर आती है और उसे एक वीडियो दिखाती है जहाँ उसी ने कहा है कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब यूनो ने किया है। उसने कैंडी कंपनी के सीईओ के साथ हाथ मिला लिया था।
वहीं यूनो को भी ये सब के बारे में नहीं पता था। किमदाल को भी इसके बारे में पता चल जाता है। उसके बाद यूनो सागर में से कहता है, मुझे हॉस्पिटल जाकर सभी पेशेंट को ठीक करना होगा, और वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। वहीं यूनो सभी को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पावर काम नहीं कर रहा होता है। तब वो कहता है, मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर कोई पावर नहीं है। तब सागमरे कहता है, मुझे लगता है तुम भी अभी नॉर्मल इंसान बन गए हो। उसके बाद यूनो सीजो उनके पास जाता है और कहता है, तुम मुझे मार दो, लेकिन निर्दोष लोगों को मत मारो। तब सीजो उन हंसता है और कहता है, तुम्हारी पावर तुम्हारे पास क्यों नहीं है? तुम्हें पता है, क्योंकि तुम किसी और से प्यार करने लगे हो, जिसे तुमने लॉर्ड रेडिन को छोड़ दिया है। और वो यूनो को धक्का देकर अपने ऑफिस से निकाल देता है और डोर बंद कर देता है। वही यूनो बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। और ऐसे कई ड्रामा की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।